हेलो क्लास 11, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था, ठीक है। अगर उस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, आप दोबारा से पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। आज की क्लास में टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही हम 5-5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है हमारा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास पता है तो आप इजीली मोलर मास निकाल सकते हो। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार मास को लर्न कर लेना, ओके। H2O, H2O यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, और इसमें 2 हाइड्रोजन है तो (2). हर एक एलिमेंट के बाद आएगा प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल हो गया हमारा 18 U, और हम लिख सकते हैं 18 ग्राम, यूनिफाइड मास और ग्राम, ठीक है। सेकेंड है हमारा CO2, कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 प्लस एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 16 × 2 ये हो जाएगा हमारा 12 + 32, यानी कि 2 + 2 = 4 एंड 3 + 1 = 4, 44 U और 44 ग्राम। इसका थर्ड है CH4 इज मीथेन। आप ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि CH4 होता है मीथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब कार्बन का मास कितना होता है हमारे पास, 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 U और 16 ग्राम। ये था हमारा मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Na2SO4। अब इसमें हमें हर एक एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मास परसेंटेज फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं इनका। तो मोलर मास ऑफ Na2SO4, सोडियम का मास होता है 23, क्योंकि 2 सोडियम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे एक मिनट तो सोडियम का 23 था, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सल्फर का कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 4 प्लस 32 और 16 × 4 = 64, ये कितना हो गया, 6 × 4 = 10 × 2 = 12 कैरी 1, 6 × 4 = 10 और 4 × 14 = 142 ग्राम। जो हमारे पास Na2SO4 का मोलर मास आया है वो है 142 ग्राम। ये हमारे पास टोटल मास है। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम, सबसे पहले सोडियम का निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम का मास कितना है हमारे पास, 2 सोडियम है, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, टोटल हमारे पास सोडियम का जो मास है वो 46 है, अपॉन टोटल 142 × 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब इसको कट करेंगे हम, 2 से चला जाएगा ये, 2, 3, 7 एंड 1, ये इतने टाइम्स में चला गया,
अब क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया है 2300/71। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 71 2300। 1 times में तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, 3 times में करके देख लेते हैं। 71 into 3 तो 3 3 7 जाए 21, और अगर हम 4 times में करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 3, तो 7 यहाँ पे बचा हमारा 2 2 में से 1 गया तो 1, और ये 0 170। तो 71 into 2 तो 2 2 7 जाए 14 142, 2 times में 142 यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, और ये क्रॉस हो जाएगा। फिर पॉइंट लिया हमने और 0 बढ़ा दिया, 280, तो 71 4 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28, ये 284 हो रहा है। 284 हम नहीं कर सकते, फिर से 3 times में ही करना पड़ेगा। 71 into 3 तो ये हो जाएगा 3 2 1 3, 3 times में 2 1 3, और फिर से यहाँ पे वही बचेगा हमारे पास, 10 में से 3 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, पॉइंट है हमने 0 लगा दिया। 71 9 times में करके देख लेते हैं, 9 में 9 और 9 7 जा 63, इतना आ रहा है हमारे पास 9 times में करने पे। तो पूरा सॉल्व करके हम इतना लिख सकते हैं कि ये हमारा आएगा 32.39, और 32.4 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके मैंने 32.4% कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम किसका कॉम्पोजिशन निकालेंगे, इसके बाद है हमारा सल्फर का, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, टोटल मास 142 into 100। अब ये भी 2 से चला जाएगा, नीचे तो 71 फिक्स है, ऊपर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो ये हो गया हमारा 1600/71, 32.39, इसको 32.39 यहाँ पे ब्रैकेट में मैं इसका पूरा लिख ही देती हूँ, वैसे ये था हमारा 32.39, राउंड ऑफ करके मैंने 32.4 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसमें हो जाएगा हमारा 71 1600 160, यानी कि 71 2 2 2 7 14 142, 2 times में 142 8, और यहाँ पे आ गया 1 180, अगेन 142 आ जाएगा 8, और यहाँ पे बचा अब हमारा 7 7 में से 4 जाएगा तो 3, फिर 0 पॉइंट लगाया है। अब 71 into कितने टाइम्स में जाएगा, 7 5 5 जा 35, यानी कि 5 times में करके देख लेते हैं, 5 और 35 3 5 5, और अगर 6 times में करके देखें तो 6 7 जा 42 नहीं जाएगा, 5 times में 3 5 5 बचा 5, यहाँ पे बचा 7 2, पॉइंट लिया 0 लगा दिया। अब कितने टाइम्स में जाएगा ये, 4 times में, 71 into 4 4 और 28 9, यानी कि 3 times में जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 22.53। ओके, अब हमारे पास कॉम्पोजिशन किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि 64/142 into 100, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे तो 71 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 32, क्योंकि 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, तो यहाँ है हमारा 3200/71,
तो 71300। अब क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स में जाएगा नहीं क्योंकि 35 के आसपास आता है, तो 71 × 4 करेंगे 4 28 284। 4 टाइम्स में 284, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे बच जाएगा 11, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये तो हो गया। अब आएगा 360 यानी कि 5 टाइम्स में चला जाएगा 355, 5 टाइम्स में 355 बचेगा यहाँ पे 5। पॉइंट लिया है, जीरो बढ़ा दिया, फिर भी कुछ नहीं होगा, तो एक और हम जीरो लेंगे और यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 500। अब 500, अब देखते हैं 500 कितने टाइम्स में आता है। 7 टाइम्स में करके देखना पड़ेगा। 71 × 7, 7 × 49 ये हो जाएगा। तो अब इसका आंसर आया है 45.07%। क्लियर, सबका हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला है, ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। हमने सबका मास परसेंटेज निकाल लिया है, क्लियर है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम कितना है, 32.4 और 32.39। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो और आप उसको क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। उसके बाद है सल्फर का 22.53 और ऑक्सीजन का है 45.07। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्फेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.01% डाई ऑक्सीजन बाई मास। हमें एम्फेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले गिवन एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं। सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, वहां पे हमें आयरन गिवन नहीं था, वहां पे ये कहा गया था कि एक मेटल है, कॉम्पोजिशन एकदम सेम है, जितनी इसमें परसेंटेज दी हुई है सेम परसेंटेज पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, आयरन है पहला और दूसरा है ऑक्सीजन, और इनका जो परसेंटेज है देखो 69.9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70% लिख सकते हैं। तो आयरन हमारे पास 70% है और ऑक्सीजन कितना है 30%, ये हमारा परसेंटेज में है। अब हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे ग्राम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम, 70 ग्राम आयरन है और हमारे पास ये 30 ग्राम डाई ऑक्सीजन है। क्लियर है, सारे एलिमेंट्स लिख लिए हमने, सारी चीजें लिख ली हैं। इसके बाद क्या होता है, मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले आयरन का निकालेंगे, गिवन मास कितना है 70, आयरन का जो मोलर मास होता है वो होता है 56, तो ये हो गया हमारा आयरन के लिए, अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 30 अपॉन, ये हमारा क्या है, डाई ऑक्सीजन है। डाई ऑक्सीजन का मतलब है दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन है बट यहाँ पे हम मास कितने का रखेंगे, एक का ही रखेंगे 16। अब डिवाइड करके देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए, 56 70, 1 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे आएगा 56, 4 और 6 में से 5 गया तो 1, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 हो गया। अब 56 × 3 करके देख लेते हैं, 6 × 3 = 18, 15 × 1 = 16, ये ज़्यादा हो गया। 56 2 6 2 = 12, 2 5 = 10 इनकी 11, 2 टाइम्स में 1 1 2, और 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, पॉइंट है 0 लग गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56
फाइव करके देख लेते हैं, सिक्स फाइव जो 30, 25, 26, 27, 28, 280, फाइव टाइम्स में आ गया 280। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं आयरन के, 1.25 मोल। ऐसे ही हम ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं, ऑक्सीजन 16 और 30 वन टाइम्स में जाएगा, 16 यहाँ पे बचा 4 और ये बच गया 2, 2 में से बन गया तो 1 पॉइंट लिया हमने, 0 लगा दिया। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 8, 8 6 जा 40, 8 8 4 12 और अगर मैं 9 करूँ तो ये हो जाएगा 54, 9 और 1 14, तो 8 टाइम्स में जाएगा 126। ये बच गया 4, 1 पॉइंट है 0, 1.88 यहाँ पे आ रहा है हमारा 1.88 मोल्स ये आ रहा है। अब क्या करते हैं हम इन मोल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें भी सेम हम करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आयरन था, आयरन का आया था 1.25 और 1.25 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1। सेकेंड है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का था 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 के बराबर आएगा। अब देखो, जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली क्या करते थे, होल नंबर में वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते थे, बट इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर है 1.5। अगर 1.05 होता तो हम उसको 1 कंसिडर कर सकते थे, बट 1.5 को हम 1 कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये पॉइंट में है। अब पॉइंट से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया तो सेम नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि आयरन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना है Fe2O3। अब देखो, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था इंफेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो यही हमारा इंफेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, हमें अमाउंट निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, कार्बन को एयर के साथ हमने बर्न किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 1 मोल है, 1 मोल कार्बन जब बर्न होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। 1 मोल का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 मोल में कितने कार्बन हो जाएंगे, 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कितना बनाते हैं CO2, 32 प्लस 12, यही हो जाएगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, तो कितना अमाउंट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जब 1 मोल कार्बन को हम बर्न करेंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। क्लियर है? 1 मोल कार्बन बर्न टू गिव 44
44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर 1 मोल कार्बन बर्न होता है 16 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन में, तब क्या होगा? तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कह रहे 16 ग्राम। देखो O2 का मतलब हमने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे कम करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से पूरी रिएक्शन ही कम होगी। हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है पूरी रिएक्शन उसी पे डिपेंड करती है। हमने ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया, हमने कहा कि 16 ग्राम ही ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 1 मोल के लिए हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन था। बट अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल की जगह मुझे 0.5 मोल कार्बन लेना पड़ेगा। तो 0.5 मोल कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन सब हमने हाफ कर दिया, तो जो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, देखो 1 मोल पे हमें 44 ग्राम मिल रहा था, तो 0.5 मोल पे कितना मिलेगा, 44 का आधा यानी कि 22 ग्राम हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 मोल हमें दे रहा है 44 ग्राम CO2, तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन हमें मिलेगा 22 ग्राम ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया है। यहाँ पे हेयर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन की वजह से पूरी जो रिएक्शन है वो आधी हो गई है। क्लियर है? इसके बाद थर्ड है हमारा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन प्लस डाइऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं ये 2 मोल है और यहाँ पे 16 ग्राम है, तो बताओ कितना CO2 बनेगा। अब देखो कार्बन चाहे हमें 2 मोल दे दे, चाहे 50 मोल दे दे, अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पता है हमें कि डाइऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर पाएंगे, तो हमें इस मोल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 मोल कंज्यूम कर ही नहीं सकता। कितना करेगा? 0.5। और जब देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 0.5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 0.5 टू गिव कितना देगा, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल में हमें 44 ग्राम मिल रहे थे, तो 0.5 में हमें मिल जाएगा कितना, 22 ग्राम। पिछले वाले जैसा ही आंसर है इसका, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मोल 5 मोल दे देंगे, बट आपको फोकस करना है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उसकी वजह से रिएक्शन बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। क्लियर है? क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3CONa रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। हमें मास फाइंड आउट करना है किसका, सोडियम एसीटेट का, जो कि 500 ml, क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का, कि 0.375 मोल्स ऑफ CH3CONa प्रेजेंट इन 1000 ml
of 1000 ml of solution. 1000 ml solution में इतने moles CH3COONa के पड़े हुए हैं, तो हमें बताना है कि 500 में कितना होगा. ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कर सकते हैं. 0.375 में 1000 ml है, तो 500 ml में कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा हमारा 0.375 इंटू 500 अपॉन 1000. दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10. सॉल्व करते हैं इसको, तो पॉइंट हटा दे रही हूं अभी मैं, तो 2375, तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 28 जा 60, फिर से 127 जा 40 और फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 25 जा 10. देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले इसमें से पॉइंट हटा के मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, 375 इंटू 10 की पावर, ये हमारा जो पॉइंट है ये इधर गया तो -3 हो गया, अपॉन 2. अब इससे ये कटा तो आया हमारे पास 1.87, सॉरी 1 पॉइंट नहीं है, यह है 187.5 इंटू 10 की पावर -3. अब इसको मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो ये 1, 2, 3 शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 0.1875. हमारे पास कितने मोल्स आए हैं, 500 में 0.1875 मोल्स प्रेजेंट होंगे CH3COONa के. तो अगर 500 में इतना प्रेजेंट होगा, हमें मास के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर हमें एसीटेट का, सोडियम एसीटेट का मास इतना दिया हुआ है मोलर मास, तो उतने मास में उसका हमें कैलकुलेट करना है कि सोडियम एसीटेट कितना प्रेजेंट होगा. तो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0.1875 इंटू हमें कितना दे रखा है मोलर मास, 82.0245 ग्राम पर मोल. तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो ये कुछ हमारा आ जाएगा 15.379 के आसपास. ठीक है, 15.379 ये हमारा आंसर होगा. इतना हमें मतलब जो हमें मास बोला है कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारा इतना होगा. क्लियर है, तो आज की क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.